शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया। दो साल बाद शुरू हुए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यात्रियों से भरी बसों को रवाना करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री जहां भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्राकृतिक को भी करीब से जानेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लेकर विशेष तैयारी की है। यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे जैदर गांव से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियाँ भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा है। और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में उसको देखने का भी उनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है चौकसाई रखना, तो कहीं कोई गलत घटना ना हो, इस प्रकार की जांच पड़ताल उससे रखना उसकी जिम्मेदारी है, ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के ठीक तरीके से चलती रहे। 2020 तक 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी, और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पर जाते रहे। और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई है हमारी सरकार द्वारा कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता, इसलिए इस बार की मैं माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं, इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएँ, हंसते खेलते आएँ।